ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में अक्टूबर के महीने में होने जा रहा है, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास जरूर करें। इस राशि फल में दी गई जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही रहने वाली है और वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें वृश्चिक राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं ग्रह स्थितियां किस प्रकार की आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, लगन में केतु और शुक्र की युति रहने वाली है। आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में सूर्य, मंगल और बुध की एक साथ युति रहेगी। सूर्य मंगल से पराक्रम योग और सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनने वाला है। सूर्य 16 अक्टूबर 2021 तक राशि के लाभ भाव में, उसके पश्चात राशि के द्वादश भाव यानी व्यय भाव में चले जाएंगे। मंगल जो आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, जो आपकी राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, वह राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में गोचर स्थितियों में 21 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। गुरु और शनि की युति आपके राशि के पराक्रम भाव में बनी रहेगी, जिसमें शनि को मंद ग्रह, न्याय का देवता कहा गया है और गुरु को ज्ञान, संतान, धर्म, शिक्षा का कारक ग्रह माना गया है। राहु देव आपसे राशि से सप्तम भाव में अक्टूबर के महीने में गोचर में रहने वाले हैं। इस प्रकार के ग्रह स्थितियां वृश्चिक राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन बहुत कम होगा, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। तो देखिए, राशि के दशम भाव से व्यक्ति के करियर और व्यावसायिक जीवन का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, जो राशि से 11th हाउस में मंगल और बुध के साथ शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं और राशि के दशम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी जाने वाली है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा कहा जाएगा, कामकाज के लिहाज से काफी अनुकूल रहने वाला है। यह महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के मनोबल और उत्साह में वृद्धि कराएगा। कार्यों में उन्नति और नौकरी पेशा जातकों के लिए सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। वृश्चिक राशि के जातक पूर्व के समय से ही कार्यों में रुकावट का सामना कर रहे हैं। इस समयावधि में मनोकामनाओं की पूर्ति, कार्यों की पूर्ति होती हुई भी नजर आने वाली है। व्यापार में जुड़े हुए जातकों के लिए व्यापारिक जीवन मिला जुला रहने वाला है। यदि मेहनत के साथ, उत्साह के साथ व्यापार में संलग्न रहेंगे
तो आपके पक्ष में स्थितियां काफी अच्छी बनी हुई रहने वाली हैं, परंतु साझेदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए कुछ मिली जुली चुनौतियां भी मिल सकती हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में अगर अक्टूबर की जानकारी दिया जाए तो अक्टूबर का महीना धन को लेकर अच्छी संभावनाओं का निर्माण कर रहा है, क्योंकि राशि का लाभ भाव और राशि का धन भाव दोनों काफी ज्यादा प्रभावी है। तो यहां पर यदि पूर्व के समय से धन आगमन से संबंधित समस्याएं वृश्चिक राशि वाले जातकों को मिल रही थी, वह दूर होती हुई नजर आने वाली है। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के फिजूल खर्च और अत्यधिक खर्च बढ़े हुए थे, उसमें कमी देखने के लिए जरूर मिलेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ नजर आएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं तो लाभ के नए नए अवसर, धन के नए नए अवसर देखने के लिए मिल सकते हैं। इस समयावधि में वृश्चिक राशि के जातक भवन, वाहन और भूमि खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस समयावधि में अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो राशि के परिवार भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो राशि से पराक्रम भाव में गुरु के साथ स्वराशिगत होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। और यहां पर केतु का प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है। तो देखिए, परिवार के सदस्यों के साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के संबंध उत्तम नहीं कहे जा सकते। परिवार के लिए आप तो प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाएंगे, परंतु परिवार के लोग आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे। इससे औसत वातावरण परिवार में बना रहेगा। देव गुरु बृहस्पति नेचस्थ होकर पराक्रम भाव में मौजूद हैं। यहां से भाई बहनों का विचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ मन मुटाव और संबंधों में खराबियां देखने के लिए मिल सकती है। और यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए प्रतिकूलताएं अपने समन्वय से ही दूर होंगी। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की कहा सुने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो बेहतर संभावनाएं जरूर निर्मित होती हुई नजर आएगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार मुख्यतः किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो राशि से 11th हाउस में शुभ स्थितियों में सूर्य के साथ, बुध के साथ कन्या राशि में गोचरी स्थितियों में 21 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। और आपके राशि के रोग भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों को हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं कम देखने के लिए मिलेंगी। लगन में केतु और शुक्र के प्रभाव के फलस्वरूप मानसिक रूप से तनाव देखने के लिए ज्यादा मिलने वाला है। तो अपने आप को मेंटली फ्री रखें। अक्टूबर के महीने में मेडिटेशन ज्यादा करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों को खान पान की आदत पर भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तले भुने भोज पदार्थों से आपको दूरी बनाकर चलना है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां बेहतर खास बनी हुई रहने वाली है। प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातक
अपने प्रेमी के साथ व्यक्तिगत पलों को बिताने के लिए समर्थ रहेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले जातकों को अक्टूबर के महीने में उतार चढ़ाव जरूर देखने के लिए मिलेगा। जीवन साथी का एक और भरपूर सहयोग भी देखने के लिए मिलेगा। वहीं व्यर्थ के वाद विवाद और नोक झोंक भरी स्थितियां भी उत्पन्न होने की संभावना निरंतर बनी हुई रह सकती है। तो ये तो रहा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय। तो सबसे पहले अक्टूबर के महीने को बेहतर बनाए रखने के लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में व्यर्थ का तनाव लेने से बचना है। यदि कार्यस्थल पर कार्यों में असफलता देखने के लिए मिल रही हो तो वहां पर आपको हताश और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। चुनौतियों का जीवन में डटकर सामना करें। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातक अपने जीवन में नियमबद्ध रूप में कार्य करें, नियम में कमी ना करें, रूपरेखा बनाकर जीवन में कार्य करें। तीसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध के कारण व्यक्तिगत संबंधों को भी आप जीवन में काफी खराब कर लेते हैं। चौथा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने से बचाना चाहिए, तो यह महीना काफी ज्यादा बेहतर जाएगा। मंगल देव आपके राशि के स्वामी बनते हैं, तो कुछ खास उपाय बता रहे हैं जिसको वृश्चिक राशि वाले जातकों को जरूर करते रहना चाहिए। तो देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा आप घर में स्थापित कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करते रहें। वहीं मंगलवार को मीठी पूरियां बनाकर गाय को खिलाएं, बाद में भिखारियों को भी, जरूरतमंद गरीबों को भी बांटें। सुहागिन स्त्रियों को मंगलवार के दिन लाल कपड़े, लाल वस्त्र का दान करते रहें। शनिदेव का यदि आपके जन्म